Assalamualaikum uh, so let's talk about the uh, TNM classification टी एन एम क्लासीफिकेशन हम किस लिए करते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा ट्यूमर किस हद तक मतलब ये ट्यूमर के लिए होता है और हम देखते हैं कि हमारा ट्यूमर किस स्टेज में है किस ग्रेड में है तो ये सिर्फ ट्यूमर के लिए होता है सो so, टी का मतलब है ट्यूमर मतलब साइज ऑफ ट्यूमर इनका मतलब है नोड्स uh, मतलब लैम नोट्स इन्वालमेंट के लाइफ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं कि नहीं एंड एम का मतलब है मेटास्टास मतलब डिस्टिस मेटास्टा मतलब मेटासिस का वर्ड जब आप सुनते हैं तो इसका मतलब है कि स्प्रेड स्प्रेड मतलब स्प्रेड हो गया है कि नहीं सो लेट्स टॉक अबाउट ट्यूमर टी सो टी एक्स जब होता है तो इसका मतलब है कि ट्यूमर कांट बी असिस्ट कैन नॉट बी असिस्ट ट्यूमर एंड टी का मतलब है कि नो नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर देयर इज नॉट ट्यूमर मतलब ट्यूमर नहीं होता है एंड टी आई एस का मतलब है कि ट्यूमर जो है ना वो Uh, होता है बट करसिन एनसी टू मतलब वो अपनी जगह से स्प्रेड नहीं हुआ है वो खास अपनी जगह जहाँ पे वो ट्यूमर होता है उधर ही होता है मतलब इधर उधर स्प्रेड सराउंड टिशू को स्प्रेड नहीं हुआ है होता है एंड टी वन का मतलब है कि ट्यूमर जो है ना वो होता है बट टू सेंटीमीटर होता है या टू सेंटीमीटर से भी कम होता है एंड टी टू का मतलब है कि ट्यूमर होता है बट टू मोर देन टू सेंटीमीटर से मोर देन टू सेंटीमीटर एंड लेस देन फोर सेंटीमीटर मतलब दो सेंटीमीटर से ज़्यादा और चार सेंटीमीटर से कम होता है मतलब इसके बीच में होता है टी थ्री का मतलब है कि ट्यूमर जो है ना वो मोर देन फोर सेंटीमीटर मतलब चार सेंटीमीटर से ज्यादा होता है टी फोर का मतलब है कि ट्यूमर जो है ना वो ऑलरेडी चार सेंटीमीटर से ज्यादा है बट ऑलरेडी एडजस्टेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसको भी वो फैल चुका है मतलब मेटास्टाइज हो चुका है उधर फैल चुका है स्प्रेड हो चुका है सो लेट्स टॉक अबाउट एन एन का मतलब है नोड्स मतलब लाइफ लाइफ नोट्स इन्वालमेंट कि लैम्फ लैंप नोड इन्वॉल्व है कि नहीं मतलब सराउंड जिसके करीब लैंप नोड है उसके वो इन्वॉल्व है या नहीं सो एन जीरो का मतलब है कि नो स्प्रेड मतलब नो मो कोई लैंप नोड्स इन्वॉल्व नहीं है बस ट्यूमर है बट लैंप नोड्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं इसमें एंड एन वन का मतलब है कि सिंगल वन साइड बट लेस दैन थ्री सेंटीमीटर मतलब लाइफ नोट सिर्फ एक बॉडी के एक साइड पर इन्वाल्व है और ट्यूमर जो है ना वो थ्री सेंटीमीटर से कम में है एंड एन टू ए का मतलब है कि सिंगल मतलब एप्सीटरल वन साइड है बट मोर दैन थ्री सेंटीमीटर एंड लेस सेंटीमीटर मतलब तीन और छः सेंटीमीटर के बीच में होता है लेकिन एक साइड पर होता है बॉडी के एक साइड में एंड टू बी का मतलब है कि मल्टीपल साइडड मतलब कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे होता है बट लेस देन सिक्स सेंटीमीटर ट्यूमर सिक्स सेंटीमीटर से कम है बट दोनों साइड पे है एक साइड पे नहीं इधर एक पे था और इधर जो है ना छः से कम है छः सेंटीमीटर से बट दोनों साइड पे है और इधर पे जो है ना एन टू एन टू सी में मल्टीपल बोथ साइड मतलब कॉन्ट्रा साइड में है बट लेस देन सिक्स सेंटीमीटर दोनों साइड पर है बट सॉरी मोर देन सिक्स सिक्स सेंटीमीटर है ये दिस इज हेयर इज मे मिस्टेक दिस इज़ मोर दैन सिक्स सेंटीमीटर इधर पर जो है ना मल्टीपल साइडेड पे multiple है uh, मल्टीपल मतलब ट्यूमर है वन साइड पे बट लेस दैन सिक्स सेंटीमीटर एंड हेयर मल्टीपल बोथ साइड मतलब मल्टीपल ट्यूमर है बोथ साइड पे एंड मोर दैन सिक्स सेंटीमीटर है एंड एंड थ्री में जो है स्प्रेड टू लैफ नोट एंड मोर दैन सिक्स सेंटीमीटर इधर पर जो है ना लैंफ नोट में ट्यूमर एडजेसेंट लैम नोड में स्प्रेड हो चुका है और ट्यूमर uh, का साइज जो है ना वो भी बढ़ चुका है मतलब ग्रेटर देन सिक्स सेंटीमीटर है एंड द लास्ट वन इज एम एम मीन मतलब डिस्टेंस मेटास्टेसिस मतलब ट्यूमर uh, जो है ना वो स्प्रेड हो चुका है uh, मतलब uh, कि स्प्रेड हो चुका है या नहीं तो एम uh, एक्स का मतलब है कि नो मेटास्टा प्रेजेंट मतलब मेटास्टा well, नहीं हुआ है मतलब अभी तक ट्यूमर mm, है बट में उसका में जो है ना अपनी जगह पे प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक कार्सिनोमा एंड इंसटू इसी तरह तो एम जीरो का मतलब है कि नो मेटस्टास ऑक्रियट मतलब मेटस्टास uh, अभी तक हुआ नहीं है उधर पर जो है ना आ, नो प्रेजेंट मतलब मेटास्टा बिल्कुल हुआ नहीं और इधर पे जो है ना मेटास्टास जो है ना सराउंडिंग टिशू को बिल्कुल हुआ नहीं है मतलब जो सराउंडिंग एडजस्ट टिशूज है वो सेफ़ है उधर ये जो है ना स्प्रेड नहीं हुआ है एंड एम वन का मतलब है कि मेटस्टास असिस्ट मतलब इधर जो है ना अगर इधर जो है ना मेटास्टास हो चुका है तो इसका जो है ना टी एन एम का ये जो है ना सारा टी एन एम क्लासीफिकेशन है तो इसमें सो ये सारा टी एन एम क्लासीफिकेशन था आ, तो इसमें जो है ना ये हम क्लिनिकली भी यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमें क्लिनिकली कोई कहता है कि टी टू तो इसका मतलब है कि ट्यूमर जो है ना वो प्रेजेंट है मोर देन टू सेंटीमीटर मतलब दो और चार सेंटीमीटर के दरमियान है और अगर कोई हमें कहे कि एन वन है तो मतलब लैम्प नोट में वो सिंगल वन साइड पे है बट ट्यूमर का साइज लेस देन थ्री सेंटीमीटर है और अगर हमें कोई कहे कि मेटस्ट्रासिस एम वन का है तो हम कहेंगे कि हाँ ट्यूमर स्प्रेड हो चुका है सो दिस इज़ क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स ऑल अबाउट द टी एन एम क्लासफिकेशन